हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। वेलकम टू संत लोक क्लासेस। आई होप यू ऑल वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंसर्न ऑफ आउटसोर्सिंग। क्या आउटसोर्सिंग का क्या कंसर्न होता है, बेसिकली आउटसोर्सिंग की लिमिटेशंस है, ठीक है। और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम चार लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे, चार कंसर्न को पढ़ेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियबिलिटी, कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियबिलिटी का कंसर्न बताया गया है, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या था, जब अपनी किसी सर्विस के लिए, ठीक है, या किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करवाने के लिए, बेसिकली अपनी किसी नॉन कोर एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए, जब हम किसी बाहर से पर्सन को लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। अब क्या है कॉन्फिडेंशियबिलिटी, एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारे पास कंपनी है अमित लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब ये जो अमित लिमिटेड कंपनी है, यहाँ का जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका नाम है मिस्टर कुमार। ये यहाँ के सारे पैसों का सारा रिकॉर्ड इनके पास है, सारा कंपनी का प्रॉफिट एसर्टेन करके बताएगा, लॉस बताएगा, कंपनी को कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कंपनी ने पैसा कहाँ लगाया है, कहाँ लगाना चाह रही है, कहाँ लगाया था तो प्रॉफिट हुआ, कहाँ लगाया था तो लॉस हुआ, कहाँ कंपनी को लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सब पता है इसे। और कंपनी की जितनी भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, जो एमडी तक को पता होती है, वो भी सारी इसके हाथ में से गुजरती है, इसको सब पता है। अब आउटसोर्सिंग में क्या है, ये भी आउटसोर्सिंग का एक, यहाँ पे भी आउटसोर्सिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, अब मिस्टर कुमार के कुछ इश्यूज हैं कंपनी के साथ, कि भाई कंपनी उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रही, उसको इंक्रीमेंट नहीं कर रही, ठीक है, और बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं कंपनी के साथ। अब क्या है, अगर कंपनी आउटसोर्सिंग करती है, ठीक है, तब कंपनी के साथ कंपनी हमेशा एक रिस्क में रहती है, कि अगर जिस पर्सन के साथ वो आउटसोर्सिंग कर रही है, जो आउटसोर्सर है, अगर कल को वो हमारी कंपनी को छोड़कर चला गया और वो जाके बैठ गया हमारे कॉम्पिटिटर के पास, तो वो हमारी कंपनी की सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डाटा, सब कुछ बता देगा उसे, हो सकता है। और कॉम्पिटिटर हमारे उन सब पॉइंट्स को पहले से पता करके, हम तो बाद में करेंगे, वो पहले उस चीज को अडॉप्ट कर लेगा, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा, ठीक है। इसलिए कहा गया कि आउटसोर्सिंग में आप उस आउटसोर्सर पर पूरी तरह से आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। वो अगर उसको सैलरी कहीं और ज्यादा मिलेगी, वो वहां चला जाएगा, दिख रहा है कि वहां काम कम है, सैलरी ज्यादा है, वहां चला जाएगा, वहां बेनिफिट ज्यादा है कॉम्पिटिटर के पास, वो वहां चला जाएगा। उसे तो सैलरी चाहिए काम करना है, उसे इस चीज से मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी डूबे चले, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग में यहाँ पे कॉन्फिडेंशियबिलिटी का कंसर्न बताया गया है। नेक्स्ट इज स्वेट शॉपिंग। स्वेट शॉपिंग का मतलब है, देखो ये हमें पता है कि जब हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, हम बाहर से पर्सन को लेके आ रहे हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में ये होता है कि हम ऐसे पर्सन को लेके आए जो कम से कम कॉस्ट पे काम करे, ज्यादा से ज्यादा काम करे। अब स्वेट शॉपिंग में क्या होता है, आप जब किसी पर्सन को लेके आ रहे हो, तो वो उस एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है पहले से, ठीक है। जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था बॉटल्स और मेडिसिन वाला, तो जो मिस्टर बी थे, वो अपनी उस बॉटल्स को बनाने के काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज थे, ठीक है, उनकी स्पेशलाइजेशन ही उसी में थी, वो बहुत अच्छे से करते थे उस काम को। अब क्या होता है, इसमें जब आप किसी पर्सन को बाहर से लेके आ रहे हो, काम करवा रहे हो, तो आप उससे कुछ एडिशनल नहीं करवा रहे, आप उससे वही काम करवा रहे हो जो उसको पहले से आता है। इसका मतलब उस पर्सन का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, वो उसी काम को करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। उसका ना तो स्किल्स उसकी एनहेंस होती, ना उसकी नॉलेज बढ़ती, ठीक है, ना उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि भाई वो कल को कुछ और भी मैन्युफैक्चर कर दे, ठीक। और आप क्या चाह रहे हो कि वो कम से कम पैसों में भी काम करे, ठीक। तो आउटसोर्सिंग में लोग अप्रोच भी ऐसी कंट्रीज या ऐसे स्टेट्स में करते हैं, ऐसे लोगों को करते हैं जो कम से कम पैसों में काम कर दे और ज्यादा से ज्यादा काम करे और उनका डेवलपमेंट भी नहीं होता। तो ये इसका दूसरा कंसर्न बताया गया। थर्ड इज एथिकल कंसर्न, कि यहां पर क्या होता है कि जब आप किसी पर्सन से काम करवा रहे हो, आपके दिमाग में क्या है, भाई मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, कॉस्ट कम से कम आए, ऐसे पर्सन को लेके आऊं जो कम से कम पैसे पे काम कर दे, उसका डेवलपमेंट हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे ही कॉस्ट कम आनी चाहिए, मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होता है, एथिकल कंसर्न में कई बार आप वुमेन्स को, ठीक है, या जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो भी आ जाते हैं। क्यों, इनकी इनकी भूख है,
इनको पैसे चाहिए, इनको सोर्स ऑफ इनकम खोलनी है अपने घर के, लेके भाई घर में कुछ पैसे आएंगे, ये इसलिए आ जाते हैं। और आप इसलिए ले लेते हो कि भाई ये कम से कम पैसों में भी काम कर लेंगे। हो सकता है कि वुमेन्स उस एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए सुटेबल नहीं है, पर वे करती हैं। चाइल्ड, जिस चाइल्ड को स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए, वो भी चाइल्ड लेबर के चंगुल में फंस जाता है और आकर काम करता है इंडस्ट्रीज वगैरह में भी। तो जो एथिकल है, एथिकल इश्यूज हैं, वो भी जनरेट होते हैं, एथिकल कंसर्न बताया गया है। क्लियर। एंड द फोर्थ इज रेसेंटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को लेके आ रहे हो, आउटसोर्सिंग करवा रहे हो इंटरनेशनली, आप बाहर से लेके आ रहे हो, अरे आप इंटरनेशनली भी छोड़ो, आप किसी स्टेट से बाहर से लेके आ रहे हो, ठीक है, आपके आसपास के जो लोग हैं वो उस क्वालिफाइड हैं कि आपके लिए उस जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं आपके आसपास के लोग, ठीक, लेकिन आप उनको छोड़ के आप कहीं बाहर से लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है उन लोगों को, वे लोग आपसे डिमोटिवेटेड रहेंगे, वे लोग कभी आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे। अगर कोई काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो या अमित लिमिटेड कंपनी है, इसी का किसी, मान लो फाइनेंशियल मैनेजर यहां से उठ के चला गया, कंपनी में ऐसे बहुत लोग हैं जो उस पोस्ट को लेने डिजर्व करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कहीं बाहर से फिर आउटसोर्स करवा रहे हो, कहीं बाहर से फिर रिक्रूटमेंट करवा रहे हो, तो आपके जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो डिमोटिवेटेड रहेंगे कि भाई हमारे होने के बावजूद ऑनर को पता है कि हम कर सकते हैं, उसके बावजूद वो फिर बाहर से लेके आ रहा है। इसका मतलब आपकी जो लोकेलिटी के लोग हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके सराउंडिंग्स के लोग हैं, वो आपसे कभी भी खुश नहीं होंगे आउटसोर्सिंग की वजह से। वे लोग हमेशा आपसे दूर रहेंगे, आपके काम में और उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे जितना वे अच्छा दे सकते थे या दे रहे थे। क्लियर। तो ये कुछ चार लिमिटेशंस या कंसर्न बताए गए हैं आउटसोर्सिंग के। आई होप चारों क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, g.nirmit के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।